हेलो एवरीवन, दिस इज़ पृथ्वीराज फ्रॉम कॉमर्स फाउंडेशन इंस्टीट्यूट। आज क्लास 12th इकोनॉमिक्स की क्लास में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। एक फ्रेश यूनिट है जो ऑलमोस्ट 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इसी यूनिट से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। सो स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट के अंदर एक ही चैप्टर है जो आपको पढ़ना है। ईजी टॉपिक है, कोई इतना टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है कि आपको जनरल नॉलेज की बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस चैप्टर में। सो स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। अब इस चैप्टर में सबसे पहले तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तो मेरे को ये पूछना है आपसे कि आपने बजट, गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बाद में यूज़ करेंगे वर्ड, सबसे पहले बजट, आपने बजट वर्ड कब सुना था? या अगर सुनते हो घर में या किसी और के मुँह से तो कब कब जनरली सुनने को मिलता है? सर ये ना हम सुनने को मिलता है हम लोगों को जब भी हमारे मंथ की स्टार्टिंग होती है ना, या फिर जब मंथ एंड होने वाला होता है कोई भी लास्ट में, लास्ट डे को, तब हम अपने पेरेंट्स के मुँह से सुनते हैं कि बजट क्या होता है। अब बजट में क्या क्या चीज़ें वो लोग काउंट करते हैं। अब एक हाउस होल्ड का बजट कैसे बनता है भाई? गवर्नमेंट का बजट बनाने से पहले तो सबसे पहले आपको अपने घर का बजट बनाना आना चाहिए, तभी तो आप सरकार की बात करोगे ना। तो सर हमारे पेरेंट्स ना सबसे पहले तो वो देखते हैं कि अगर हम लोग रेंट पे रहते हैं तो हमारा रेंट कितना जाएगा, उसके बाद वो लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना जाएगा, उसके बाद वो लोग देखते हैं कि इंटरनेट का बिल कितना जाएगा, वाईफाई जो हमने लगवा रखा है, उसके बाद वो लोग देखते हैं कि हम जो मिल्क बाहर से खरीदते हैं उस पर कितना खर्च करना है, उसके बाद वो लोग देखते हैं कि जो अपने किचन का जो रसोई का राशन वगैरह उस पर कितना खर्च करना है, उसके बाद सर हम लोग देखते हैं कुछ दवाई वगैरह पे खर्च करना है तो कितना खर्च होगा, जैसे अभी लॉकडाउन है तो सैनिटाइजर वगैरह, मास्क वगैरह पे जो खर्चा होगा वो कितना होगा। और सर उसके बाद अगर कुछ बच जाता है फिर हम देखते हैं कि कभी मूवी देखने जाएंगे, अभी तो नहीं जा सकते, पहले देखते थे कि हम लोग मूवी वगैरह देखने हफ्ते में एक बार या फिर मंथ में एक बार हम लोग कितनी बार मूवी देखने जाएंगे, बाहर का खाना कितनी बार खाएंगे। मतलब घर वाले क्या करते हैं, वो पूरा एक्सपेंडिचर अगले मंथ में जो करने वाले हैं। देखो इनकम तो ऑलमोस्ट फिक्स ही होती है, सैलरी तो उतनी बढ़ती नहीं है, जो पिछले महीने की सैलरी थी वही सैलरी इस बार होनी है। सो वो लोग क्या करते हैं ना, एक्सपेंडिचर पे फोकस करते हैं ज़्यादा, और थोड़ा बहुत इनकम पे भी, कितने पैसे कहाँ से आएंगे, कितना किराया आएगा, कहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा, कितना कहाँ से हमारी सैलरी आएगी। सो कुल मिला के बजट में वो लोग क्या मेन फोकस करते हैं, वो लोग बजट में ये चीज़ लिखते हैं जो भी हमारे फ्यूचर में कमिंग मंथ में या कमिंग पीरियड के अंदर जो भी एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर हैं या प्लांट एक्सपेंडिचर है, जो भी वो एस्टिमेट करते हैं कि हाँ इतना खर्चा होने वाला है और इतनी हमारी इनकम होने वाली है, इसी स्टेटमेंट को तो बजट बोलते हैं। अगर आप लोगों को इतना पता है कि घर में जो बजट बनता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमारे मम्मी या पापा डायरी में नोट करते हैं, तो वो बजट बनाते हैं आपके घर का। अब जैसे घर का बजट बनता है वही ब्रॉड लेवल पे अगर आप देखोगे तो वही चीज़ सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट पूरे इंडिया का बजट बनाएगी, मतलब इंडिया के घर घर का बजट नहीं बनाएगी, वो पूरे इंडिया का बजट बनाएगी कि हमें किस एरिया में कितना खर्च करना है, कौन कौन से हमारे एक्सपेंडिचर होंगे, एक्सपेंडिचर रिवेन्यू नेचर का कितना होगा, कैपिटल नेचर का कितना होगा। डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना कि जो मैं बोल रहा हूँ वो टर्म अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप एक एक वर्ड अच्छे से समझ पाओगे। उसके बाद में वो लोग क्या देखते हैं, एक्सपेंडिचर के साथ साथ इनकम कैसी होगी, सरकार की इनकम कैसी होती है, वो तो सरकार को टैक्स मिलता है, पेनल्टी मिलती है, फाइन मिलता है, ये सारी सरकार की इनकम होती है। तो गवर्नमेंट बजट कैसे होता है, जैसे हम अपने घर के एक्सपेंडिचर और घर के इनकम जो होने वाली है कमिंग पीरियड की, हम लोग तो महीने का बजट बनाते हैं, लेकिन सरकार एक महीने का बजट नहीं बनाती, गवर्नमेंट बजट बनाती है पूरे फिस्कल ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का, अकाउंटिंग ईयर का। बात एक ही है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, जो मतलब कमिंग 1 अप्रैल से लेके और अपकमिंग 31 मार्च तक, उस 12 महीने का सरकार बजट बनाती है। बजट इससे रिलेटेड कुछ जनरल पॉइंट भी हैं, वो मेरे नोट्स में तो नहीं लिखे हुए क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि वो आपके एग्जाम के लिए उतने रिलेवेंट है। हाँ जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आपको ऐसे ही बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि बजट कब, सबसे पहली बात तो बजट बनाता कौन है। अब हमारे यहाँ पे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट तो अपना बजट अलग बनाती है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट का बजट, हम किसी एक, हम दिल्ली या फिर महाराष्ट्र पंजाब गवर्नमेंट का बजट नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं पूरे देश का बजट। देश में तो एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट होती है, जो उस यूनियन गवर्नमेंट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो बजट बनाता है। अभी करंट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन, वो हमारे यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर है, तो वो बजट बनवाती हैं, उनका डिपार्टमेंट बजट बनाता है। उसके बाद में बजट कब बनता है इंडिया के अंदर, कब अनाउंस होता है, सर पहले तो ना फरवरी के लास्ट डे को होता था,
लास्ट वर्किंग डे को 28th 29th जो भी वर्किंग डे पड़ता था उस हिसाब से। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है इन लोगों ने क्या किया है, फरवरी के फर्स्ट डे को, मतलब अब 1 फरवरी को बजट अनाउंस होता है। अनाउंस कौन करता है? पार्लियामेंट के अंदर अनाउंस होता है। कौन कौन बताता है बजट में क्या क्या चीज़ें हैं? सर जो हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर, जो वित्त मंत्री होता है, वो बजट बनाता है। अच्छा, उसके बाद में ये बजट पार्लियामेंट के दोनों हाउस में, लोअर और अपर दोनों हाउस में अप्रूवल के लिए जाता है, और फिर उसके बाद में पार्लियामेंट के इस पे साइन होते हैं, और फिर ये बजट, ये बिल एक एक्ट बन जाता है उस साल का। जैसे फाइनेंस एक्ट हो गया, फाइनेंस एक्ट 2019 2020, ये सारे एक्ट बनते हैं। और ये जो बजट बनता है, क्या ये बजट 1 फरवरी को बना, तो ये कौन से पीरियड के लिए बना? अगर मैं अभी फिलहाल बात करूं इस वाले फाइनेंशियल ईयर की जो अभी चल रहा है 2020-21, ये फाइनेंशियल ईयर का बजट 1 फरवरी 2020 को अनाउंस हुआ था। वो अगले 2 महीने के बाद जो फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर या फिर अकाउंटिंग ईयर, कुछ भी आप उसको बोलो, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक, वो जो 12 महीने का जो फिस्कल पीरियड है, उस पीरियड के अंदर जो सरकार खर्चे करने वाली है, जो सरकार की इनकम होने वाली है, उसका एस्टीमेशन था बजट जो 1 फरवरी 2020 को निर्मला सीतारमन, इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर, ने अनाउंस किया था। ये सारी चीज़ें होती है बजट से रिलेटेड, कुछ जनरल पॉइंट, कब अनाउंस होता है, कौन बनाता है। पेपर में कभी क्वेश्चन नहीं आया ऐसा, बट आपके जीके के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज के लिए। अब देखो बजट की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, इट्स ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो क्या दिखाती है, क्या बताती है? शोइंग एक्सपेक्टेड एंड प्लान रिसिप्ट, जो भी हमें कमिंग ईयर में एक्सपेक्टेड रिसिप्ट है कि इतने पैसे हमें मिलने वाले हैं, इतनी इनकम हमारी होने वाली है, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द कमिंग फाइनेंशियल और फिस्कल ईयर। फॉर द कमिंग मतलब 1 अप्रैल से लेके और नेक्स्ट 31 मार्च तक जो 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड होता है, इसको बोलते हैं फिस्कल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर। अगले एक साल तक जो भी एक्सपेक्टेड रिसिप्ट है या फिर जो भी एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर हैं, उन सब की स्टेटमेंट बताने वाले फाइनेंशियली एक इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। अब उसके बाद देखो, अब इस चैप्टर का अगर मैं तुम्हें ओवरव्यू दूं तो क्या होता है, एक यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिख रहा होगा, ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो बजट, बजट के दो कंटेंट होते हैं, एक होता है रिवेन्यू, एक होता है कैपिटल। उसके बाद में रिवेन्यू के अगेन दो सब पार्ट होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसीट। ऐसे ही कैपिटल के दो सब पार्ट होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद में आप देखते हो कि रिवेन्यू रिसिप्ट के अगेन दो पार्ट होते हैं, टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट और उसके बाद में नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट। टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट के अगेन दो सब पार्ट होते हैं, कौन कौन सा? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अभी तो मैं खाली आपको ना चैप्टर का ओवरव्यू बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में हमें कैसे पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, ताकि जब आपको मैं इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्स तो ये टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट था, टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट रिवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट था, और रिवेन्यू रिसिप्ट आपका रिवेन्यू बजट का पार्ट था, और रिवेन्यू बजट जो मेन बजट था उसका मेन कंटेंट था। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको लिंक होनी चाहिए, तभी पढ़ने में मजा आएगा और पढ़ाने में भी, कि जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं आपको पता है ऊपर से लेकर नीचे तक ये वाला पॉइंट कहाँ कहाँ पर लिंक होता है और क्या क्या इसके मेन फैक्टर है। अब उसके बाद में ऐसे ही जो आपका कैपिटल बजट है, कैपिटल बजट के दो पार्ट, देखो हर किसी बजट के दो पार्ट होते हैं, अगर वो रिवेन्यू है तो भी उसके दो पार्ट होंगे, कौन कौन सा? एक्सपेंडिचर और रिसीट। कैपिटल बजट है तो भी उसके दो पार्ट होंगे, एक तो रिवेन्यू और एक एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल बजट के दो पार्ट, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब उसके बाद में जो कैपिटल रिसीप्ट है उसके तीन पार्ट लिखे हुए हैं, कौन कौन से? फर्स्ट लिखा हुआ है बोरोइंग, दूसरा लिखा हुआ है रिकवरी ऑफ लोन, और तीसरा लिखा हुआ है अदर रिसीट। ये सारी चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के कोई पार्ट नहीं दिए हुए। देखो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है वहाँ पे जरूर लिखा हुआ है प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, सेम चीज़ लिखी हुई है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में, सेम चीज़ लिखी हुई है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू उतना रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आते हैं ना डेफिसिट निकालने के, वहाँ पे इस तरीके से आपको समझना पड़ता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये दो पॉइंट होते हैं,
कैपिटल रिसिप्ट में ये वाले 3 पॉइंट होते हैं। तो ये जो चार्ट बनाया हुआ है, ये चार्ट आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट एक्सक्लूड करना है, किसको इंक्लूड करना है, किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किसको इग्नोर करना है, वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो उस हिसाब से चार्ट पूरा बन रखा है। अब उसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक आज का, बजट बनता क्यों है, बजट बनाने का उद्देश्य क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बजट। आपको पता है जब भी गवर्नमेंट बजट बनाती है तो उससे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री के जितने भी वहाँ पे जो मेन मेन ऑफिशियल होते हैं, जो वहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं, वो ऑफिसर्स ना ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन तक वो लोग इतनी ज़्यादा सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, उनको फ़ोन अलाउड नहीं होता, वो लोग अपने घर पे बात नहीं कर सकते, वो लोग अपने घर पे नहीं जा सकते, वो लोग अपने घर से पूरा बैग ले जाके वहीं पर ही रहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में। जब तक वो बजट नहीं बना लेते तब तक उनमें से कोई भी इंसान बाहर के किसी पर्सन से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। इतनी ज़्यादा मतलब अटमोस्ट प्रायोरिटी होती है सीक्रेसी लेवल की, उससे ज़्यादा कहीं नहीं मेंटेन होती कि एक एक पॉइंट जो भी बजट में आने वाला है वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि सरकार क्या अनाउंस करने वाली है जो भी कमिंग फिस्कल ईयर के लिए जो भी पॉलिसी बनने वाली है। सो ऐसा होता क्यों है, इतना पैसा खर्च क्यों होता है बजट बनाने पे? उससे पहले भी आपको क्या लगता है कि 1 फरवरी का बजट 1 फरवरी को ही बनता होगा? नहीं, ऑलमोस्ट उससे पहले 3-4 महीने पहले से सर्वे होने स्टार्ट हो जाते हैं अलग अलग इकोनॉमिक टाइम्स के, या फिर जो भी आपके जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं, इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, उनसे सरकार रिकमेंडेशन लेती है, फिर वो उन पे काम, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि बजट बनाने में ऑलमोस्ट 3-4 महीने पहले से होमवर्क करना गवर्नमेंट स्टार्ट कर देती है। और जब वो जो भी जहां जहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है 15-20 दिन पहले 1 फरवरी से ऑलमोस्ट पूरे जनवरी के मंथ में उन पे वो डिटेल एनालिसिस करते हैं, तब जाके जो भी आउटकम निकलता है वो फाइनली 1 फरवरी को हमारे पास एक गवर्नमेंट बजट की फॉर्म में फाइनेंस मिनिस्टर उसको अनाउंस करता है। सो इसका उद्देश्य क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को री एलोकेट करना, एलोकेट कर चुके हैं उसको री एलोकेट दोबारा से एलोकेट करना। सर इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है, देखो जितने भी हमारे यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज है ना, मैं और आप कोई भी प्राइवेट मतलब पब्लिक मान लो कोई भी, वो लोग क्या करते हैं, अगर मेरे को या आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, हम लोग एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, हम लोग ऐसा कोई भी काम नहीं शुरू करेंगे जिसमें हमें लॉस होगा या फिर प्रॉफिट ना हो। मतलब हम लोग ना नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, हमारा तो मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करने का होता है। लेकिन सरकार को तो सारे लोगों का सोचना होता है ना, उसको तो सरकारी हॉस्पिटल भी चलाने हैं, उसको तो सरकारी स्कूल भी चलाने हैं, उसको तो ऐसी ऐसी जगह पर रोड भी बनाने हैं जहाँ पर कोई कभी कभी साल में जाता होगा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो चीज़ें जिन सेक्टर्स के ऊपर प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे उन पर फोकस नहीं करते, उन पर ध्यान नहीं देते, उनको इग्नोर कर देते हैं, ऐसे सेक्टर्स के लिए पब्लिक सेक्टर के लिए यूनिट बनाई जाती हैं। मतलब सरकार पब्लिक सेक्टर कंपनियां बनाती हैं, सरकार अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेती है ताकि वो सेक्टर को भी इग्नोर ना किया जाए। मतलब प्राइवेट सेक्टर ने तो पहले ही छोड़ दिया, उस जगह पर काम ही करना बंद कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि भले ही प्रॉफिट हो या ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मोटिव तो सोशल वेलफेयर करने का होता है, तो उसके बावजूद भी सरकार ऐसे जगह पे, ऐसे सेक्टर्स में, ऐसे इंडस्ट्रीज में पैसा लगाती है, काम करती है जहां पे प्रॉफिट अर्न करना उनका मेन मोटिव नहीं होता, उसको बोलते हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसका मतलब क्या होता है सर, आप लोगों ने हमारे इंडिया का इनकम टैक्स सिस्टम सुना होगा, घर में अपने फादर से या बड़े भाई से किसी से सुना होगा कि जिसकी इनकम 2.5 लाख तक होती है कोई टैक्स नहीं लेता है, फिर 2.5 से 5 के बीच में मतलब 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स लेते हैं, फिर 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20% टैक्स लेते हैं, फिर 10 लाख से ऊपर जितनी इनकम होती है 30% टैक्स लेते हैं, फिर उसके बाद में 50 लाख से ज़्यादा इनकम होने पर टैक्स के ऊपर अलग से सरचार्ज भी जुड़ता है, फिर 1 करोड़ के ऊपर सरचार्ज की रेट दोबारा चेंज होती है, इंक्रीज हो जाती है, फिर 2 से 5 के बीच में और 5 से ऊपर जाके तो 37% का सरचार्ज, टैक्स तो लगता ही लगता है, उसके ऊपर लगता है वो। सर ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब हमारी गवर्नमेंट का एक ही उद्देश्य होता है मेन, कि जो जितना ज़्यादा कमाएगा वो उतना ज़्यादा टैक्स भरेगा, उसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम।
मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो, कि जो अमीर इंसान है ना उससे ज़्यादा टैक्स लो, ताकि अमीर इंसान थोड़ा सा नीचे आ जाए और जो गरीब इंसान है, जो पुअर पीपल हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनको सब्सिडी दो ताकि वो लोग ऊपर हो जाएं। इसका मतलब क्या होता है कि गरीब लोगों को सब्सिडी दो, उनकी हेल्प करो, फाइनेंशियल असिस्टेंस दो, और जो अमीर लोग हैं, जो जितना ज़्यादा अमीर होगा, जितना ज़्यादा पैसे कमाएगा, वो उतना ज़्यादा ही टैक्स भरेगा। सो इसलिए रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का मतलब पुअर पीपल को सब्सिडी, और रिच पीपल पे, जो जितना ज़्यादा रिच होगा उस पर उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये क्या होता है, कभी कभी आपने वर्ड सुना होगा रिसेशन, या फिर आपने सुना होगा बूम, या फिर आपने सुना होगा मंदी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सुनी होंगी। तो ये क्या होता है ना, इन चीज़ों के केस में सरकार को स्टेबिलिटी लानी होती है। सरकार ये भी नहीं चाहती कि इन्फ्लेशन हो जाए, सरकार ये भी नहीं चाहती कि डिफ्लेशन हो जाए, सरकार चाहती स्टेबिलिटी बनी रहे, सब लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रहे, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। तो सरकार इसके लिए क्या करती है, स्टेबिलिटी लेके आती है। स्टेबिलिटी कैसे लेके आएगी, आप लोगों को अगर थोड़ा सा याद होगा तो जब मैं आपको मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर करा रहा था, वहां पे मैंने आपको एक सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन कराया था। फंक्शन क्या कराया था, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बैंक। वहां पे मैंने एक पॉइंट आपको लिखवाया था उस वाले सेंट्रल बैंक के फंक्शन में, कि जब भी गवर्नमेंट को अगर कोई भी फाइनेंशियल या मॉनेटरी मैटर में अगर हेल्प चाहिए तो आरबीआई उसकी हेल्प करता है पॉलिसी बनाने में। वो पॉलिसी कौन सी होती है, वो यही वाली तो पॉलिसी होती है, बजट वाली पॉलिसी। भाई मैक्सिमम एक इंडिया, अगर मैं अपनी कंट्री की बात करूं, इंडिया के अंदर जो भी फाइनेंशियल रिफॉर्म होते हैं, जो भी नई नई अनाउंसमेंट होती हैं, वो बजट वाले दिन ही तो होती हैं, उसके अलावा तो बहुत कम होता है। तो बजट के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई से पहले बहुत सारे रिकमेंडेशन, उनकी हेल्प लेती है, उनसे असिस्टेंस लेती है, सहायता लेती है, ताकि वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सके। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको क्या रेट बढ़ानी है, किस सेक्टर के अंदर आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट कम रखनी है, कहाँ पे ज़्यादा रखनी है, सो ये सारी चीज़ें जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फिस्कल इंस्ट्रूमेंट, उसके अकॉर्डिंग जो सरकार इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना चाहती है, उसके लिए आरबीआई से हेल्प लेती है, और जो भी वो रिकमेंडेशन होती है उनको बजट में वो प्रेजेंट करके बजट में अनाउंस करती हैं। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब महंगाई भी ना हो और मंदी भी ना हो, इन्फ्लेशन भी ना हो, डिफ्लेशन भी ना हो, सब कुछ इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रहे। उसके बाद में मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, जो सरकारी कंपनियां हैं उनको कौन चलाएगा, उनके डायरेक्टर को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगा, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, मैनेजर कौन अपॉइंट करेगा, सरकारी तो करेगी क्योंकि मालिक कौन है, सरकार है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका एचपीसीएल हुआ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एचपीसीएल फुल क्या होती है, हिंदुस्तान पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद में जो आपका सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल, गेल, ओएनजीसी, ये सारी जो कंपनियां हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं, बीएसएनएल, एमटीएनएल, इन कंपनीज के डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है, इन कंपनी के डायरेक्टर अपॉइंट करती है सरकार, गवर्नमेंट। वो आपके बजट में अनाउंस होता है कि किस कंपनी के अंदर, किस कंपनीज के अंदर कितने हमने ब्रांचेस बंद करनी है, डिसइन्वेस्टमेंट करनी है, किस कंपनी की, पब्लिक सेक्टर कंपनी, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा, सरकार बजट के अंदर सिर्फ पब्लिक सेक्टर कंपनी के बारे में बताती है। वो रिलायंस के शेयर नहीं बेच सकती, वो टाटा कंपनी का कोई प्लांट बंद नहीं कर सकती, वो अपने पब्लिक सेक्टर के सरकारी कंपनियों के ऑफिसेज को खोल सकती है या बंद कर सकती है। अगर वो किसी कंपनी की किसी प्रॉपर्टी को बेचेगी, उसकी डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, तो वो चीज़ कहाँ बताएगी, वो सब बजट में अनाउंस करेगी कि हमने इस कंपनी के, सरकारी कंपनी के इतने प्लांट हमने बेच दिए, बंद कर दिए, या फिर ये कंपनी नए नए प्लांट नए नए अलग अलग स्टेट्स में खोलने वाली है। तो वो जो मैनेजमेंट है ना पब्लिक इंटरप्राइज का, सरकारी कंपनियों का, क्योंकि उसकी मालिकाना हक, उसकी ओनरशिप सरकार के पास होती है, तो उसको मैनेज करने का काम भी सरकार का ही होता है। ये सारी चीज़ें आपके बजट में लिखी होती हैं। उसके बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ, एफडीआई कितनी आनी चाहिए, किस सेक्टर के अंदर एफडीआई आनी चाहिए, हमारे जीडीपी कैसे ग्रो करेगी, जीडीपी के अंदर हम डेफिसिट कैसे कम करेंगे, तो ये सारी चीज़ें, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारे पॉइंट भी आपके बजट में लिखे होते हैं। उसके बाद में जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के अवसर कैसे प्रदान करें, नए नए रोजगार कैसे बनाएं, कौन कौन सी इंडस्ट्री हमें कौन कौन से नए सेक्टर में बनानी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर कहाँ कहाँ पे नई नई कंपनियाँ खुलेंगी, कहाँ कहाँ पे नए नए रोजगार के अवसर आएंगे, मनरेगा की स्कीम क्या क्या बनेगी, कितनी वो मंथली बेसिस पे लोगों को मतलब पैसे देंगे, मिनिमम वर्किंग डे कितने होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी पॉलिसीज आपके बजट में अनाउंस होती हैं। उसके बाद में रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को कैसे खत्म किया जाए,
जो बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल वाले जो लोग हैं उनको एपीएल में अबव पॉवर्टी लाइन में कैसे लाया जाए, कौन सी सरकार ने गरीबों के लिए योजना बनाई है, जैसे वो आयुष्मान योजना थी वो हेल्थ से रिलेटेड थी, फिर ऐसे ही कहाँ कहाँ पे गरीबों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, तो ये सारी चीज़ें पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए ये भी आपके बजट में लिखा होता है। उसके बाद में रीजनल डिस्पैरिटी, ये क्या होता है सर रीजनल डिस्पैरिटी, ऐसा ना हो कि इंडिया के अंदर बस दिल्ली और मुंबई यही दो आपके ऐसे सिटी बचे जहाँ पर कैपिटा इनकम एक आदमी की इनकम सबसे ज़्यादा हो और बाकी के जो पिछड़े जो ज़्यादातर जो जगह हैं जैसे आपका कुछ बिहार का हिस्सा हो गया झारखंड उड़ीसा या फिर कुछ तमिलनाडु, ऐसा ना हो कि बाकी सारे स्टेट्स को इग्नोर किया जाए। ये रीजनल डिस्पैरिटी को ख़त्म करने का काम सर ये कैसे ख़त्म होती है, जो आप सुनते हो ना SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन या जो नई नई जो अलग अलग जगह जो कॉरपोरेट समिट्स करती है सरकार कि आपको यहाँ पे कॉरपोरेट को बुलाती है कि आप हमारे यहाँ पे अनाउंस हमारे यहाँ पे आप अपनी फैक्ट्रियाँ खोलो और हम आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड कराएंगे ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, तो उससे क्या होता है एक जगह पे गुच्छे के अंदर विकास नहीं होता, वो क्या होता है ना कि एक जगह पे जब विकास होता है ना तो क्या वहां के लोगों के लिए सिर्फ फायदेमंद होता है, बाकी जितना भी रिमेनिंग हिस्सा बच गया वो उससे फिर इग्नोर्ड हो जाता है। तो सरकार क्या करती है, सरकार हर स्टेट में ऐसी ऐसी जगह सिलेक्ट करती है कि जहां पे उसको नई इंडस्ट्रियां लगानी हो, जहां पे उसको नए नए मतलब कंपनियों को बुलाना हो कि आप लोग यहाँ पे अपना प्लांट लगाओ, यहाँ पे अपनी कंपनियाँ बनाओ, अपनी फैक्ट्रियाँ लगाओ और हम आपको कम रेट पे ज़मीन देंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी कम रेट पे प्रोवाइड कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें रीजनल डिस्पैरिटी को वो सारी चीज़ें ख़त्म करने का काम भी बजट के अंदर अनाउंस होता है, कितने जगह पर नए नए हॉस्पिटल बनेंगे। अब देखते हो ना दिल्ली के अंदर तो यहाँ पे तो अपना एम्स भी है, सफदरजंग भी है, अपोलो मैक्स सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल अपने दिल्ली के अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन कई कई जगह तो ऐसी है, कोई कोई सिटीज़ तो ऐसे जहाँ पे 15-20 किलोमीटर में एक हॉस्पिटल होता है, वो भी सरकारी, वो छोटा सा हॉस्पिटल होता है कि वहाँ पे एक सिंपल सा ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। सो ये सारी चीज़ें रीजनल डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए सरकार बजट के अंदर अपनी अनाउंसमेंट करती है, पॉलिसीज वगैरह अनाउंस करती है, इस वजह से बजट बनता है, ये मेन उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है बजट बनाने के। उसके बाद में मैंने आपको जैसे बताया कि बजट के दो कॉम्पोनेंट होते हैं, कौन कौन सा, रिवेन्यू और कैपिटल। नेक्स्ट वाली क्लास में हम पढ़ेंगे रिवेन्यू बजट, उससे नेक्स्ट वाले पढ़ेंगे कैपिटल बजट, फिर हम डेफिसिट पढ़ेंगे, डेफिसिट को दूर करने के मेजरमेंट क्या क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, और सबसे लास्ट वाली क्लास जो होगी ऑलमोस्ट 7th क्लास हम पढ़ेंगे जो जो क्वेश्चन पास्ट अटेम्प्ट में पिछले 8-10 एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आ रखे हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी होगी रिवेन्यू बजट से रिलेटेड। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।